तो गाइस ये है खीरा एंड कच्ची हल्दी का पेस्ट जिसको मैंने 2 घंटे पहले बना कर रखा था। तो अब इसका शक्कर है बिल्कुल टट्टी जैसा। फिर भी मैं इसे लगाऊंगी क्योंकि ये स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो अभी मैं इसे लगाना स्टार्ट करती हूँ। इस हैंड पे लगा ली है और अभी मैं इस हैंड पे लगाऊंगी। ये पेस्ट आपको हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार तो लगानी है। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप ज्यादा लगाओ, अगर आपके पास बहुत ज्यादा समय है तो आप रोज लगाओ। तो अभी मैं फेस के लिए एक पेस्ट बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे चाहिए थोड़ा सा कॉफी पाउडर, थोड़ा सा शुगर, थोड़ा सा एग व्हाइट और थोड़ा सा मिल्क। तो अभी मैं एक चम्मच से एग व्हाइट को थोड़ा सा निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा मिल्क इसमें ऐड करनी है। अभी ये मिक्स हो गया है तो अब मैं इसको अपने फेस पे लगा रही हूँ। ये सीधा लग गया मगर बड़ा भूत होने लगते। तो अभी इसको सूखने तक वेट करते हैं। इससे सन टैन भी रिमूव होते हैं। तो आप इसे जब मर्जी तब लगाइए। हफ्ते में आप 3 बार लगाइए, 4 बार लगाइए, 5 बार लगाइए, आपके पास जितना टाइम है उतने बार लगाइए। क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल होम रेमेडी है तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हफ्ते में एक दिन नीम का जो पत्ता होता है ना, 4 नीम के पत्ते हफ्ते में एक बार खाइए तो मतलब महीने में 16 नीम के पत्ते खाइए। उसके साथ एक टर्मरिक जो है थोड़ा सा इतना सा टर्मरिक उसके साथ खाइए सुबह खाली पेट। और गाय का जो दूध होता है वो गाय का दूध बिना उबले हुए गाय का दूध वो पिए। जिनका जो कलर है वो आपके धीरे धीरे चेंज होते जाएंगे, आपको गोरापन मिलेगा। दिन में एटलीस्ट 2 लीटर पानी पिए। और भी गर्मी का मौसम आ गया है तो इसलिए आप जो ग्लूकॉन डी का जो पानी होता है ग्लूकॉन डी वो पिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा, जितना मर्जी उतना पिए। पर बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि उससे शरीर को और भी नुकसान हो सकते हैं। बहुत कम भी नहीं पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए। तुम भी सुन रहे हो का? फेस क्लीन कर लिया है मैंने तो मैंने अपने चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं किया हूँ अभी। तो आप देख सकते हो कि पहले कैसा था और अभी कैसा है। मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील कर रही हूँ। तो अभी इतना ही था, वीडियो ख़त्म हो गया।